ऐसा तो नहीं कोई जिसको हिंदी ना समझ आती हो, कहीं क्लास में ऐसा भी बच्चा बैठा हो, बता देना यार। ठीक है फिर करते हैं स्टार्ट है। ओके जी, तो स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार, कंफर्म कर देना मुझे चैट बॉक्स में अगर स्क्रीन विजिबल हो तो। विजिबल है स्क्रीन यार? ओके जी, विजिबल, ऑल राइट, गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे वेरिएबल की, राइट? तो वेरिएबल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ, इसमें कमेंट में आंसर देना यार, ठीक है? माइक ऑन मत करना, कि वो चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी। मैंने बोला पी वाई, उसके बाद मैंने बोला वन या फिर माई नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, क्या ये वेरिएबल सही है? वोंट वर्क, वेरी गुड। रीजन? स्पेस, ओके, वेरी गुड। तो जैसा कि आपको पता है व्हाइट स्पेस नहीं आ सकता यार, यहाँ पे व्हाइट स्पेस नहीं आ सकता, राइट? तो व्हाइट स्पेस नहीं आ सकता, तो आप अगर इसको एंटर करोगे तो क्या बोलेगा आपको? सिंटैक्स एरर, कि ऐसा नहीं हो सकता, वेरिएबल का नाम आप इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला माई नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और फिर हम बोलते हैं प्रिंट माई नेम एक्स वाई जेड। अब अंडरस्कोर आपके यूजफुल हो जाता है यार, अगर आपको मतलब कि एक वेरिएबल का नाम है जो बहुत बड़ा रखना हो, तो अगर वो आपका वेरिएबल का नाम मतलब दो तीन वर्ड्स का है, तो आप उसमें क्या यूज कर सकते हो? अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि हम जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो उसमें हमें क्या देना होगा, मान लो सबनेट मास्क, तो एक तो मैं ऐसे लिखता हूँ सबनेट मास्क, ठीक है? सबनेट मास्क इज इक्वल टू 255.255.0। फिर मैंने बोला प्रिंट सबनेट मास्क, प्रिंट तो हो जाएगा। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते थे, सबनेट मास्क इस तरीके से लिख सकते थे, राइट? तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं है पहले वाला गलत है, गलत तो वो भी नहीं है, बट इसमें अगर आप देखोगे तो आपको नेम थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, बड़ा नाम है ना वेरिएबल का, तो आप बीच में क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात की थी कि एक ही अलग अलग वेरिएबल को क्या हम सेम वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बोला हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, मैंने इसको बोला 10, क्या ये कोड रन करेगा? यस, ओके, वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूं एक्स वाई जेड 10 20, इतना बोला मैंने, इस कोड में कोई एरर आएगा या फिर काम कर जाएगा ये वाला कोड आपका? एरर आएगा, वेरी गुड यार, नाइस। अच्छा लग रहा है कि आप भी एफर्ट्स डाल रहे हो। तो हमें पता है कि अगर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज है, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज है, उतने ही वेरिएबल की वैल्यूज आपको राइट साइड में भी देनी है, 10 20 30, प्रिंट एक्स राइट प्रिंट वाई प्रिंट जेड, तो इस तरीके से आप वैल्यूज दे सकते हो वेरिएबल्स को, ऑल राइट। हमने कल बात की थी इनपुट फंक्शन के बारे में भी, राइट? क्योंकि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो वैल्यूज है ना यार, याद रखना, आप वेरिएबल की वैल्यूज आप दो टाइम पे दे सकते हो, ये तो या तो कंपाइलिंग के टाइम पे दे सकते हो, राइट? या फिर आप वैल्यू दे सकते हो एग्जीक्यूशन के टाइम पे,
जो वेरिएबल की वैल्यूज है वो आप या तो कब दे सकते हो, या तो जब आपका कोड क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, जब आप कोड लिख रहे हो उसमें आप वैल्यू फिक्स कर दो, या फिर आप जो वेरिएबल की वैल्यू है वो एग्जीक्यूशन पे भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था आपको, यहाँ पे दिखाया भी था, नोट पैड प्लस प्लस ओपन करते हैं एक सेकेंड। अब इसको सेव कर लेते हैं डॉट पाई फॉर्मेट में, राइट, सेव एज वेरिएबल डॉट पी वाई, ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वेरिएबल डॉट पी वाई, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दे भाई इसको, ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ ठीक है, रिप्लेस कर दिया मैंने। अब मैंने बोला यहाँ पर नेम अमित कुमार, ये जो वेरिएबल है, ये जो मेरा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू मैंने यहीं दे दी, राइट, कंपाइलिंग के टाइम पर ही। दूसरा, वेरिएबल की वैल्यू कब दे सकते हो, माय नेम इनपुट, प्लीज एंटर योर नेम, राइट। अब मैं कहता हूं सबसे पहले प्रिंट नेम, दूसरा मैंने बोला प्रिंट माय नेम। अब इसमें दो तरीके के वेरिएबल, एक की वैल्यू मैंने पहले ही डिफाइन कर दी जब मैं कोड लिख रहा हूँ, दूसरा मैंने वैल्यू डिफाइन नहीं की, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी वो कब डिफाइन करूंगा मैं, जब मैं कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, राइट। तो क्या करेंगे हम, अपने पाइथन में जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइल रखी है, फाइल रखी है हमारी डॉक्यूमेंट्स में, सी डी डॉक्यूमेंट्स, पी वाई वेरिएबल डॉट पी वाई काम नहीं कर रहा। चलो आप बताओ फिर क्या गलती है, कौन बताएगा आप में से, लाइन थ्री में गलती है, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। मिसिंग बिफोर सेंटेंस, वेरी गुड यार भाई, यहाँ पे क्या मिसिंग है आपका, डबल कट, ओके। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज एंटर योर नेम, मैंने बोला सिस्को, तो एक बार तो इसने प्रिंट किया नेम क्योंकि मैंने वैल्यू इसकी डिफाइन की थी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मैंने कब डिफाइन की, जब मैं कोड क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब आप कहोगे दोनों में से कौन सा कब यूज करेंगे, देखो अगर वैल्यू आपको फिक्स ही रखनी है तो आप ये यूज कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है, आप एग्जीक्यूशन पे या फिर इनपुट फंक्शन के साथ भी वेरिएबल को यूज कर सकते हो। कब, वो आपका जो इनपुट वेरिएबल के साथ आप यूज करोगे ना, वो कोड आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्या हो जाएगा, रीयूजेबल हो जाएगा यार, वो कोड क्या हो जाएगा, रीयूजेबल, राइट, क्योंकि नाम जो है वो आप किससे पूछ रहे होंगे हर बार, यूजर से। आप कहोगे कब, जैसे कि मान लो ये मेरा राउटर है, राइट, आपने एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखी यहाँ पर कि भाई इस राउटर को टेलनेट करना है, ठीक है, टेलनेट करने के बाद इस राउटर पे कमांड पुश करनी है आपको, किसमें आओगे आप, मान लो इस मोड में आओगे, राइट, तो आपको कमांड पुश करनी है कॉन्फिग टर्मिनल, उसके बाद आपको कमांड पुश करनी है इंटरफेस F0/0, आपको कमांड पुश करनी है आईपी एड्रेस 10.1.1.1/24, नो शट डाउन, ये कमांड मान लो आपको पुश करनी है अपने राउटर पर, राइट। तो उससे पहले आप इस राउटर पर भी कुछ कॉन्फिगर करोगे ना, जैसे कि इस पे आप एक आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करोगे जिससे हम टेलनेट कर रहे होंगे, दूसरा आप क्या कॉन्फिगर करोगे, यूजर नेम और पासवर्ड, राइट। अब अलग अलग लोग क्या कर रहे होंगे यार, इस सेम स्क्रिप्ट को यूज कर रहे होंगे जो आप लिख रहे हो, राइट, किसी का यूजर नेम कुछ हो रहा है, किसी का यूजर नेम कुछ हो रहा है, तो आप जब पाइथन स्क्रिप्ट बनाओगे आप उसमें यूजर पहले डिफाइन करके नहीं छोड़ रहे होंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे उसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही वेरिएबल की वैल्यू देंगे। अगर आपने मान लो बोल दिया कि यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, पासवर्ड इज इक्वल टू सिस्को, अगर आप ये बात पहले ही बोल देते हो तो जब भी वो स्क्रिप्ट रन होगी उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्री डिफाइंड है, तो हर बार वही पुश करने की क्या कर रहे होगे आप, कोशिश कर रहे होंगे,
लेकिन अलग यूजर नेम के साथ भी हमें क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो ये करने की बजाय हम क्या बोलेंगे कि यूजर नेम जो है वो आपको किससे पूछना है, यूजर से ही पूछना है जो पाइथन स्क्रिप्ट रन कर रहा है। और वो पाइथन स्क्रिप्ट रन करने वाले यूजर अलग अलग हो सकते हैं, तो फिर अलग अलग वो अपने हिसाब से क्या देते रहेंगे, यूजर नेम देते रहेंगे और अपने हिसाब से क्या देते रहेंगे, पासवर्ड देते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ बोल दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यूजर नेम, प्लीज एंटर योर यूजर नेम, राइट। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि वहां सब लिखे हमें साफ साफ दिख रहा हो। पासवर्ड आप यहां बोल दोगे प्लीज एंटर योर पासवर्ड, राइट। फिर आपने क्या बोला, प्रिंट यूजर नेम, प्रिंट नहीं करेंगे उस केस में, तो हम इस यूजर नेम को यूज करेंगे स्क्रिप्ट के साथ, देखेंगे हम कैसे यूज करना है, प्रिंट पासवर्ड। जब हमने बोला ये दोनों प्रिंट करने के बाद आप बोलना क्या, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, कंट्रोल एस, या कंट्रोल एस। उसके बाद हम यहाँ गए अपने सी एल आई में, पाइथन वेरिएबल डॉट पी वाई, अगेन यहाँ हमने गलती कर दी, ये लगाना था। ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी यार, फर्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा ही जल्दी में हम लोग इनपुट फंक्शन भी तो देना है, इनपुट फंक्शन नहीं दोगे तो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी ना। इनपुट फंक्शन देना भूल गए थे यार, कोई बात नहीं। जैसे आपने इनपुट फंक्शन यूज किया, प्लीज एंटर योर यूजर नेम, मैंने बोला एडमिन, प्लीज एंटर योर पासवर्ड सिस्को, इसने बोला यूजर नेम ये है, पासवर्ड क्या है सिस्को, ओके। तो आप यहां ये भी लिख सकते थे, यूजर नेम इज राइट, यहां क्या लिख सकते थे आप, स्ट्रिंग के साथ इसको अटैच कर सकते थे, पासवर्ड इज कंट्रोल एस। दोबारा रन करते हैं, यूजर नेम एडमिन पासवर्ड सिस्को, सो यूजर नेम इज एडमिन पासवर्ड इज सिस्को, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ना, तो हम ऐसे ही वेरिएबल्स क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। ठीक है, यहां तक कुछ कंफ्यूजन है आपको वेरिएबल्स में, तो आप पूछ सकते हैं यार, कमेंट कर सकते हैं। नहीं, ओके, ठीक है, तो थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे आज हम, ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिकल के बिना ही इनके इनको छोड़ देंगे, राइट। चलो आप मुझे बताओ कि इंटरफेस पे अगर आईपी कॉन्फ़िगर करनी हो तो क्या कमांड रहेगी, इस राउटर के एक इंटरफेस पे मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, राइट। कौन सा इंटरफेस है ये, फॉर एग्जांपल F0/0 यार, तो क्या कमांड टाइप करोगे आप ताकि इस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर हो जाए। कमेंट करो, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1/24, इंटरफेस F0/0 9/64, ठीक है, वेरी गुड। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़ी सी अगर आपको सीएलआई की नॉलेज होगी तो ठीक है, वरना घबराने की बात नहीं है, नॉलेज नहीं है तो भी चल जाएगा, बट अगर कमांड्स का पता होगा तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, मुश्किल तो फिर भी नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल एक इंटरफेस का आईपी कॉन्फ़िगर करवानी है यूजर से, कि यूजर ही इनपुट देगा और फिर वो हम एक स्क्रिप्ट में यूज करके किसको भेज रहे होंगे, राउटर को। तो मैंने बोला कि हमें एक इंटरफेस का आईपी कॉन्फ़िगर करवानी है, तो सबसे पहले मुझसे क्या पूछ रहे होंगे, इंटरफेस नंबर या फिर इंटरफेस लिख लो सिर्फ,
इनपुट, राइट। हमने बोला प्लीज डिफाइन द इंटरफेस नंबर, उसके बाद हमने क्या बोला आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। हमने बोला इनपुट, यूजर ही बताएगा कि आईपी कॉन्फ़िगर करना है, मैं नहीं बताऊंगा वो चीज, जो कॉन्फ़िगर कर रहा है वही बताएगा। प्लीज एंटर द आईपी एड्रेस, ठीक है, लगाना जरूरी नहीं है बट इसको लगाओगे तो आप जब एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस टाइम आपको कोड थोड़ा सा अच्छा दिखता है। उसके बाद आपने बोला सबनेट मास्क भी तो चाहिए होगा, सॉरी इनपुट प्लीज एंटर द सबनेट मास्क, प्लीज एंटर द सबनेट मास्क। ये तीन वैल्यू हम यूजर से लेंगे, राइट। अब हम कमांड पुश करेंगे, राइट। तो हमने बोला कमांड इज इक्वल टू, जब आप कमांड लिखते हो तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इंटरफेस नहीं लिखते, इंटरफेस नंबर लिख देते हैं। तो आपको पहले क्या लिखना पड़ता है, इंटरफेस लिखना पड़ता है, राइट। उसके बाद आप क्या लोगे, इंटरफेस नंबर लिख दिया इतना, फिर क्या चाहिए होगा आपको यार, आईपी एड्रेस, राइट, स्पेस दिया, यहां पे क्या लिया हमने, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के जस्ट बाद ही क्या आ जाता है, सबनेट मास्क। ऐसे तो नहीं लिखते ना कि भाई हमें लिखना पड़ता है इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 सबनेट मास्क। सबनेट मास्क टाइप तो नहीं करना पड़ता ना यार, सिर्फ सबनेट मास्क की वैल्यू देनी होती, राइट। तो अब हमने बोला कि आईपी एड्रेस के बाद, आईपी एड्रेस के बाद क्या आएगा, सबनेट मास्क, एंटर कर दिया, राइट। फिर हमने क्या बोला, प्रिंट कर दो कमांड्स, इसमें देखो सबसे पहले हमने क्या पूछ रहे हैं यूजर से, इंटरफेस का नंबर क्या देना है, फिर उसके बाद बोला हमने कि आईपी एड्रेस क्या देना है, फिर हमने बोला कि सबनेट मास्क क्या चाहिए आपको, और उसको फिर कमांड्स में हमने, अब ऐसे नहीं है कि ऐसे यूज़ करोगे, प्रिंट कमांड यूज़ नहीं करेंगे हम, फंक्शन होगा हमारे पास, टेलनेट लाइब्रेरी होगी या फिर SSH के लिए जो भी लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ प्रिंट फंक्शन की हेल्प से देख रहे हैं आउटपुट हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने सेव किया इसको, सेव करने के बाद कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। प्लीज डिफाइन द इंटरफेस नंबर, मैंने बोला F0/0। आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, 10.1.1.10। सबनेट मास्क क्या बोल रहे यार, ये आप बताओ मुझे, अब क्या ये कमांड सही है, आंसर करना चैट बॉक्स में, क्या ये कमांड सही है, नहीं ये कमांड सही नहीं है, राइट। क्योंकि हमने भी पता नहीं कितनी बार आईपी कॉन्फ़िगर किया होगा। कमांड में क्या होता है, सबसे पहले आप कॉन्फ़िग मोड में जाते हो, जैसे आप इंटरफेस नंबर टाइप करते हो ना, इंटरफेस F0/0 चेंज हो जाता है, वो कॉन्फ़िग इफ में आ जाता है, कॉन्फ़िग इंटरफेस मोड में आ जाता है। उसके बाद आप क्या लिखते हो, आईपी एड्रेस। तो जब अगर आपने कोड लिखा ऐसे और ये कोड एज इट इज ही रन हो गया तो आपका राउटर तो क्या एरर देगा फिर, सिंटैक्स एरर की, भाई ऐसे थोड़ी होता है, कमांड ही गलत है, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, क्योंकि ऐसे एक रो में थोड़ी कमांड होती है पूरी। तो हमें क्या करना है, अब इस कोड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहली गलती तो क्या लग रही है कि सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है, दूसरी गलती क्या दिखेगी आपको कि यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि आईपी एड्रेस नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, राइट। क्या किया हमने, बैक स्लैश एन यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, भी बहुत ज्यादा यूज में आएगा आपको, देखने को मिलेगा बार बार। तो हमने बोला बैक स्लैश एन, सेव करता हूं इसको मैं, कंट्रोल एस,
कंट्रोल एस करने के बाद मैंने दोबारा से चलाई कमांड, प्लीज डिफाइन द इंटरफेस नंबर F0/0, आईपी एड्रेस 10.10.10 कॉन्फिगर करना चाहता हूँ, सबनेट मास्क क्या चाहते हो। अब ये तो हो गया सही, इंटरफेस पहले आ रहा है, उसके नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है, आईपी एड्रेस आ रहा है। तो जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो भी इसी सिंटैक्स इसी पैटर्न में क्या होगा यार एग्जीक्यूट। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं आ रहा राइट, क्योंकि आईपी एड्रेस के बाद क्या होता है स्पेस होता है यार। तो स्पेस का ऐड करने के लिए क्या करोगे आप बताओ, कमेंट में बताओ, कल बताया था। वेरी गुड वेरी गुड, इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन को यार, पार्टिसिपेट करो, आपको भी समझ में आता रहे। वेरी गुड, ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, ये करते हैं जैसे हम करेंगे, उसके बाद मैंने बोला कंट्रोल एस, कंट्रोल एस के बाद दोबारा से कोड रन करते हैं, प्लीज डिफाइन द इंटरफेस नंबर। हो रहा प्रिंट अलग अलग। अब इसका फायदा ये है कि आपको मान लो कितने भी इंटरफेस आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। मान लो मुझे दूसरा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो मैं क्या करूँगा, F0/1 आईपी एड्रेस 20.1.1.10 255.255.0 राइट। और अगर आपको लगता है कि सबनेट मास्क की वैल्यू फिक्स है हर बार, तो सबनेट मास्क की वैल्यू आप कंपाइलिंग के टाइम पे डिफाइन कर दो। ऐसा भी कर सकते हो कि स्लैश मान लो 30 यूज करना है, तो आप क्या करो पहले ही बोल दो इसको, सबनेट मास्क क्या रहेगा भाई 255.255.255.252, किसी भी इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करो, सबनेट मास्क तो /30 ही रहेगा। तो अब ऐसा भी कर सकता हूं मैं, इंटरफेस नंबर मैंने बोला F0/2 आईपी एड्रेस 10.1.1.10, ये देखो सबनेट मास्क देना ही नहीं पड़ेगा इस बार, सबनेट मास्क इस बार देना ही नहीं पड़ेगा। राइट तो ये क्या हो गया, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ एग्जांपल दिया था, दो टाइप से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, तो कंपाइलिंग के टाइम पे या फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो मैंने सबनेट मास्क कब डिफाइन कर दिया, जब मैं कोड लिख रहा हूँ, और मैं आईपी एड्रेस और इंटरफेस कब डिफाइन कर रहा हूँ, जब मैं कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ राइट। अभी भी कुछ मिसिंग है इस कोड में, कौन सी कमांड मिसिंग है यार, नो शट डाउन, क्योंकि इंटरफेस को हमें क्या करना होगा, नो शट डाउन भी करना होगा। राइट तो वो कैसे ऐड करेंगे फिर, नो शट डाउन नेक्स्ट लाइन में आएगा फिर उसी लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। वेरी गुड, तो आपका जो नो शट डाउन है वो कौन सी लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में। शट डाउन कंट्रोल एस, देखते हैं क्या होता है। इंटरफेस नंबर F0/0 फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस 10.1.1.10, सबनेट मास्क तो हमने पहले ही डिफाइन कर रखा था, तो सबनेट मास्क तो पहले ही आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है आपको हो गया। हाँ तो आपने एक साथ ही लिख दिया, हाँ यहाँ में कोई वेरिएबल थोड़ी कॉल करना है, नो शट डाउन कमांड तो क्या है फिक्स है, नो शट डाउन कमांड तो क्या आपकी फिक्स है। तो आप ये चीज़ तो यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है कि नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, आईपी एड्रेस कंट्रोल एस इंटरफेस नंबर 0/0 10.1.1.10
आ गया सब कुछ अपने आप। दो वैल्यू देनी है मुझे इस बार, एक तो इंटरफेस नंबर देना और एक क्या देना है आईपी, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब जिस जिसके पास लैपटॉप है, जिस जिसके पास लैपटॉप है वो अभी करो यार, 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है 8-3 हो गया, 8-8 पे दोबारा आते हैं। जिस जिसके पास लैपटॉप है अभी ट्राई करो इसको। मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए ग्रुप में। ऑलरेडी डन, आपने तो कर लिया यूज़, सब इतने फास्ट नहीं है यार। अगर आपकी कमांड फिक्स्ड है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कमांड्स हैं, अगर आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट करनी है, ठीक है, तो सिंगल कोट की बजाय, सॉरी डबल कोट की बजाय आप 3 टाइम्स क्या करेंगे कोट यूज कर, उसके बाद क्या टाइप करोगे आप, इंटरफेस नंबर F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.10 सबनेट मास्क 2552550 नो शटडाउन, या फिर इंटरफेस पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, आपको पता ही होगा कनेक्टेड टू लैन फॉर एग्जांपल। फिर क्या किया आपने इसको, नो शटडाउन, ठीक है प्रिंट, कमांड्स कर लेते हैं, अलग अलग हो जाएंगे ना फिर दोनों वेरिएबल, क्योंकि जब आप डबल कोट यूज करते हो तो ऐसे आपके पास सर्विस नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल EIGRP, मान लो EIGRP कॉन्फिगर करना है तो यहाँ नहीं होगी वो चीज़। अगर आपको EIGRP कॉन्फिगर करना है तो आपने क्या किया, ट्रिपल कोट्स यूज किए, ट्रिपल कोट्स के बाद आपने लिखा राउटर EIGRP 100, फिर आपने लिखा नेटवर्क 0.0.0 0.0.0, आपने लिखा नो ऑटो समरी, ठीक है, फिर आपने क्लोज कर दिया इसको। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिपल कोट्स भी यूज करते हैं। तो अगर मैं अब करता हूँ प्रिंट, कमांड्स मैं प्रिंट करता हूँ EIGRP, वो भी तो कमांड्स ही हैं। उसके बाद हमने सेव किया, सेव करने के बाद कोड को रन करते हैं, वो तो इंटरफेस वाला ऊपर वाला कोड हो गया आपका 10.10.10.10, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये तो हमने वो कोड बनाया था, ये वैल्यू आपने यहाँ कुछ डिफाइन किया, ये वैल्यू भी सारी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, राइट। अब आप में से कोई पूछ लेता है कि अगर मैं ये आईपी एड्रेस, क्योंकि आसान है यार, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे प्लस साइन लगाना हो या फिर मुझे बैक स्लैश एन लगाना हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और कमांड इसी सिंटैक्स में क्या होगी, राउटर पे जाएगी ना, हर कमांड का एक क्या होगा आपका, सीक्वेंस होगा। जैसे ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 10, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हो, फिर आप वहाँ स्टेटमेंट लिखते हो, तो ऐसे तो कमांड्स आपके एग्जीक्यूट होती है ना राउटर्स पे, लाइन बाय लाइन और अलग अलग मोड में जा करके। तो हम क्या करते हैं, ये यूज करने के बजाय हम ऐसा सिंटैक्स यूज करेंगे। ऐसा क्या यूज करेंगे, हम सिंटैक्स यूज करेंगे, ठीक है। और ऐसे सिंटैक्स में मैं आपको एक चीज बताऊंगा आने वाले टाइम में, फॉर्मेट फंक्शन होता है एक फॉर्मेट, वो फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर वेरिएबल्स भी दे सकते हैं। तो मैं इंटरफेस यहाँ डिफाइन नहीं करूंगा, मैं क्या दे दूंगा यहाँ पर, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, INT लिख दिया, यहाँ क्या लिख दोगे आप, कर्ली ब्रैकेट्स IP लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट क्या लिख दोगे आप यहाँ, सबनेट, ठीक है। या फिर आप कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे, सॉरी कौन सा फंक्शन यूज करोगे, डॉट फॉर्मेट,
इस तरीके से बात करेंगे, अभी नहीं आने वाले टाइम में बात करेंगे, तो उस तरीके से फिर आप क्या दे पाएंगे यहाँ पे, वेरिएबल वैल्यू भी हो जाएंगी और आपको ऐसा कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स सा कोड नहीं लिखना पड़ेगा यार। राइट प्लस लगाना है, फिर बैक स्लैश का भी ध्यान रखना है, नेक्स्ट लाइन का भी ध्यान रखना है। आप यहाँ सारी कमांड्स टाइप करो, उसके साथ ही क्या दे दो वेरिएबल और कौन सा फंक्शन यूज कर लो, फॉर्मेट। बताएंगे फॉर्मेट फंक्शन पे। आज का जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करने का, ठीक है? किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, डेटा टाइप्स के बारे में। बट आप याद रखना, जब आप ट्रिपल कोलन यूज करते हो तो उस केस में आपको ये ऑप्शन दे देता है वो, कि आप जो कमांड्स हैं वो आगे आगे टाइप कर सकते हो, या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे आप? मल्टी लाइन स्ट्रिंग, राइट? ऐसे करके, क्योंकि मैं अगेन आपको एक बार और दिखा देता हूं, अगर आप डबल कोट यूज करते हो तो उसके बाद यहाँ सब कुछ टाइप नहीं होगा, वो अगले उसमें चला जाएगा लाइन में। लेकिन जब मैं डबल ट्रिपल कोट यूज करता हूँ तो जो भी आप यहाँ टाइप करोगे वो सारा उसी का पार्ट रहेगा, ठीक है? और क्लोज किसके साथ कर दोगे आप? फिर अगेन ट्रिपल कोलन के साथ। डबल कोट और ट्रिपल कोट कब यूज करेंगे, समझ आ रहा है आपको यार? ट्रिपल कोट कब यूज करेंगे? जब हमें एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करनी हो, ठीक है? उसमें वेरिएबल वैल्यू भी दे सकते हैं, वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे डॉट फॉर्मेट के साथ। ऑल राइट, अब हम एक नया पेज ओपन करते हैं, नई फाइल बनाते हैं, रीनेम करते हैं इसको, सॉरी रीनेम नहीं, इसको सेव करते हैं पहले। सेव एज डेटा टाइप डॉट पी वाई, ठीक है? मैंने कल कुछ चीजें बताई थी आपको कि जब आप वेरिएबल की वैल्यू देते हो तो वेरिएबल क्या था यार? वेरिएबल ऐसी कोई चीज है जो एक वैल्यू को क्या करती है, स्टोर करती है, एक डेटा वैल्यू को स्टोर करती है, राइट? डेटा वैल्यू को क्या करती है, स्टोर करती है। तो अगर मैं बोलता हूं कि x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, x की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, डिफाइन होगी। अब क्या एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? एक्स की वैल्यू रहेगी 10, ठीक है? y की वैल्यू क्या डिफाइन कर दी आपने? 20। तो ये जो आपने इस साइड दिया है ये क्या आपका वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी वेरिएबल नेम, और ये क्या आपकी वेरिएबल का डेटा। इस तरफ नेम है, इस तरफ क्या है, डेटा है। क्या आप में से किसी को पता है कि इक्वल टू साइन को पाइथन में क्या बोलते हैं? कमेंट करना अगर पता हो तो, ठीक है? इसका भी नाम होता है पाइथन में, इक्वल टू। तो हम बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 10, बट हम इनको पाइथन में क्या बोलते हैं? पाइथन में आने वाले टाइम में एक क्लास होगी हमारी, एक नहीं एक से ज्यादा क्लास भी हो सकती है, किस पे? पाइथन ऑपरेटर्स, ठीक है? पाइथन में बहुत अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं यार। तो जब आप ये यहाँ पर यूज कर रहे हो ना इक्वल टू, इक्वल टू को हम कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट में भी अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, तो ऑपरेटर्स पे तो एक अलग से क्लास रहेगी, बट मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप जब वैल्यू दे रहे हो वेरिएबल को, तो जब आप एक्स को वैल्यू दे रहे हो तो उसमें एक्स की जो वैल्यू हो किसको डिफाइन, सॉरी एक्स की जो वैल्यू हो वो आपने 10 डिफाइन कर दी है। क्या यूज करके?
एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके। शुभम यादव कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है यार, उसी को नहीं आ रही होगी शायद। तो x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, और ये क्या हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था कि डेटा का जो टाइप है वो आप कैसे पता करोगे, क्या करना है, प्रिंट टाइप ऑफ x, प्रिंट टाइप ऑफ y। वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं, बट पहले डेडिकेटेड क्लास नहीं थी, वो वेरिएबल में ही हम बात कर रहे थे। आज सिर्फ बात ही किसकी करेंगे हम, डेटा टाइप्स की। पी वाई डेटा टाइप डॉट पी वाई, ये तो रनिंग नहीं हुआ क्योंकि ये कौन लगाएगा, क्लोज तो किया ही नहीं ना इसको, यहाँ रन तो लगा तो दिया, इसको क्लोज ही नहीं किया, आपको भी कर तो दिया, तो वैल्यू एक्स की आ रही है ना, इस ओवरऑल को भी क्या याद रखना है आपको, क्लोज करना है। आप चाहें तो यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये साफ दिखे, जरूरी नहीं है बट दे सकते, ठीक है। कंट्रोल एस, सेव किया, दोबारा से रन किया, क्या बोल रहे हैं, क्लास क्या है, इंटीजर। ठीक है, ये चीज आपको बतानी नहीं पड़ती, पाइथन को खुद ही पता है। मैंने बोला एक्स, या फिर मैंने बोला नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, या फिर ए बी सी। नेम वन, दूसरा नेम मैंने दिया ई एफ जी, दे दिया, या फिर आपने क्या किया, आपने बोला मान लो कमांड्स, राइट, इंटरफेस एफ 0/0, आईपी एड्रेस 10.10.24, नो सेट डाउन, इसको क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। अब आपने यहाँ कुछ वैल्यूज दी, हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं नेम, सॉरी टाइप ऑफ द नेम, क्योंकि अगर सिर्फ नेम प्रिंट करोगे तो वो आपको एबीसी लिख के दिखा देगा। हमें क्या जानना है, टाइप जानना है किसका, नेम वाले वैल्यू वेरिएबल का, राइट। उसके बाद प्रिंट टाइप, नेम वन का भी टाइप बताओ हमें भाई, राइट, फिर हमने क्या बोला उसको, प्रिंट टाइप हमें जानना है किसका, कमांड्स का भी टाइप जानना है। आप कहोगे काम के क्या आएंगे, डेटा टाइप बहुत ज्यादा काम आएंगे यार, जो चीजें काम की वही पढ़ रहे होंगे हम। कंट्रोल एस, सेव किया, सेव करने के बाद हम दोबारा से इस कोड को रन करते हैं। सबसे पहले क्या बताया कि दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई, वो क्या है, इंटीजर। उसके बाद जो तीन आपने वेरिएबल्स दिए हैं उन सबका जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है, उन सबका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। मैंने यहाँ सिंगल कोट यूज किया था, यहाँ डबल कोट यूज किया, यहाँ ट्रिपल कोट यूज किया, लेकिन ये है क्या फिर भी आपकी स्ट्रिंग, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, ये आपके एक लाइन में जो स्ट्रिंग है वो है, लेकिन टाइप क्या इनका सेम है, डबल कोट यूज कर रहे हो, सिंगल कोट यूज कर रहे हो, फिर ट्रिपल कोट यूज कर रहे हो, राइट। ऐसे ही मैंने बोला क्या, जी जी इज इक्वल टू 2.5। अब आप बताओगे अगर आपको याद है तो, मैं टाइप करता हूं इसका, टाइप जानने की कोशिश करता हूं जी का, तो क्या टाइप आएगा यार, कमेंट करो, फ्लोट, वेरी गुड, वेरी गुड, तो इसका टाइप क्या आएगा, फ्लोट। तो ये चीज पाइथन को पहले से ही पता है, आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो डिफाइन नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है। आप अगर यहाँ जा करके एक चीज चेक करते हो ना, पाइथन, पाइथन का अगर हम चलते हैं ओपन फाइल लोकेशन में, तो जो आपने इंस्टॉल किया था कुछ चीज़ें यहाँ इंस्टॉल हो रखी हैं, राइट, मैनुअल्स, मॉड्यूल, डॉक्स। यहाँ पे डॉक्स आपका एक ओपन हो जाएगा, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, राइट, अलग अलग चीज़ें जो पाइथन में इनबिल्ट है। पाइथन लाइब्रेरीज है, कुछ लाइब्रेरीज है जो आपको एक्सटर्नली इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, कुछ लाइब्रेरी उसके साथ ही आती है, राइट। वैसे उसके साथ क्या आ रहे हैं, साइट पैकेजेस। तो कुछ आप देखोगे पाइथन में वो चीज़ें पहले से ही आ रही है। वैसे ही पाइथन को जब आप कुछ भी उसमें लिखते हो तो उसको पहले से पता होता है कि जो वैल्यू आप दे रहे हो उसका टाइप क्या है, उस वैल्यू का टाइप क्या है, ठीक है। अब आपके पास पाइथन में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं यार, डेटा होता है, डेटा टाइप्स, राइट। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो आपके वेरिएबल्स हैं, राइट, वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वेरिएबल्स अलग अलग टाइप के डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ऑल राइट। डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड टू अदर डेटा टाइप्स। देखो कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं, कुछ चीजें दूसरे टाइप में चेंज नहीं हो सकती, पर जो चीजें चेंज हो सकती हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। डेटा टाइप्स ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज टू अदर डेटा टाइप, लाइक अगर आपका इंटीजर है तो आप उसको फ्लोट में लेके जा सकते हो, फ्लोट वैल्यू को क्या बना सकते हो, इंटीजर बना सकते हो। तो अगर आप फेमस डेटा टाइप्स की बात करते हो तो आपके पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग किस में आ जाता है, आपका टेक्स्ट में आ जाता है। न्यूमेरिक में अगर आप बात करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिल जाएगा, फ्लोट मिल जाएगा, और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं यार। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे एक डेटा मतलब वैल्यू सीक्वेंस में अगर रखनी हो, ठीक है, तो जब आने वाले टाइम में हम बात करेंगे किसकी, लिस्ट की, टपल की, रेंज की, ठीक है, बात करेंगे हम सेट की, बूल, बूल मतलब ट्रू या फॉल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। बात आएगी डिक्शनरी की, स्पेलिंग पे मत जाना, बट डिक्शनरी की भी बात आएगी, ठीक है। तो पाइथन में जो आपका स्ट्रिंग है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, एसटीआर से, राइट। इंटीजर को कैसे करते हैं हम, INT से करते हैं। लिस्ट, टपल, रेंज तो ऐसे ही है जैसे आपके सामने, ऐसी इसी से ही वो उसको हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज करें, ठीक है। सेट भी, बूल भी, डिक्शनरी को हम क्या लिखते हैं यार पाइथन में, DICT। ये जो इसका मतलब, ये वोकेबलरी है आपकी पाइथन की, याद करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, साथ साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे याद होता जाएगा। अलग अलग टाइप्स हैं। तो अब अगर हम अपने यहाँ चलते हैं डेटा टाइप्स में, डिलीट कर देते हैं इनको, तो हमने इस बार लिखा कि भाई एक्स की जो वैल्यू है वो है 10, वाई की जो वैल्यू है वो क्या आपकी 20, ठीक है। जी की जो वैल्यू होगी वो आएगी फ्लोट में, जब तो आप 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 20 से,
अगर आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करते हो और फिर आप बोलते हो प्रिंट जी, ओके, सेव किया इसको, रन करते हैं कोड को डेटा टाइप्स वाले को, तो क्या आ रहा है? 200 आ रहा है सिर्फ। 200 क्या है आपका यार? एक इंटीजर है। प्रिंट टाइप जी, राइट? अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसका टाइप, तो मुझे क्या टाइप देगा ये? इंटीजर, राइट? लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू आए वो फ्लोट में आए, तो मैंने बोला जी जो है वो फ्लोट वैल्यू में आपका कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई करने के बाद। क्या करते हैं इस बार, सेव करते हैं इसको, कोड को रन करते हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है? 200.0 आ रहा है, मतलब 200.0, क्योंकि आपने उसका जो टाइप था इंटीजर से किसमें चेंज कर दिया? फ्लोट में चेंज कर दिया। फ्लोट से इंटीजर में भी कल हमने चेंज करके देखा था, राइट? अगर मैंने बोला नेम, नेम इज इक्वल टू पाइथन, राइट? या फिर हमने बोला नेटवर्किंग, मैंने बोला प्रिंट टाइप ऑफ नेम, क्या आउटपुट आएगा यार? क्या आएगा टाइप इसका बताना जरा एक बार। स्ट्रिंग, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्या आया? स्ट्रिंग आया। अब मैं कहता हूँ स्ट्रिंग को ना चेंज कर दो किसमें? इंटीजर में। मैंने बोला नेम वन क्या होगा? नेम वन होगा INT, किसका? नेम का। नेम वन जो है अलग वेरिएबल है ना ये तो, क्योंकि ये नेम था और ये नेम वन है। नेम वन क्या होगा? इंटीजर होगा, किसका? नेम का। फिर मैंने बोला प्रिंट करना है यार एक बार टाइप, किसका? नेम वन का टाइप प्रिंट करो एक बार। क्या लगता है आपको क्या आउटपुट आएगा? स्ट्रिंग, हाँ जी, इसका क्या आउटपुट आएगा बताना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला नेम इज इक्वल टू नेटवर्किंग, प्रिंट टाइप नेम, फिर मैंने बोला नेम वन, नेम वन इज इक्वल टू INT नेम, मतलब जो नेम है उसका INT फॉर्मेट, मतलब इंटीजर फॉर्मेट। और फिर मैंने टाइप करने की कोशिश की, प्रिंट टाइप नेम वन, सम इंटीजर गार्बेज वैल्यू। ठीक है, सेव करते हैं। अब आपको यहाँ कुछ चीजें पता लगेंगी। इनवैलिड लिटरल, ठीक है, मैं जैसे आपको यहां बता रहा था कि एक जो वेरिएबल की वैल्यू उसको दूसरे में चेंज किया जा सकता है, बट हर बार पॉसिबल नहीं है वो चीज, कुछ एक्सेप्शंस हैं यार। क्या है? कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या होंगे यहां पर कुछ आपके एक्सेप्शंस होंगे? जैसे कि भाई आपका फ्लोट है, उसको इंटीजर में चेंज कर सकते हो, इंटीजर को फ्लोट में चेंज कर सकते हो। अब आपकी जो स्ट्रिंग है वो तो इंटीजर में नहीं आ सकती ना। हाँ, इंटीजर स्ट्रिंग में जा सकता है। इंटीजर किस में जा सकता है? स्ट्रिंग में जा सकता है। जैसे कि हमने यहां बोला, इसको हटा दिया एक बार के लिए, ठीक है, एज, योर एज इज 10। मैंने बोला प्रिंट एज, कंट्रोल एस। आगे दिक्कत, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि भाई जो आपका वैल्यू है यहां पे वो तो इंटीजर है, आप उसको कॉल किसमें करने की कोशिश कर रहे हो? आप किसमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हो? स्ट्रिंग में, राइट? वैल्यू आपकी इंटीजर में है, आप उसको लेके आना चाह रहे हो स्ट्रिंग के साथ, तो ऐसा थोड़ी होगा। उस वैल्यू को किसमें लेकर के आना होगा? स्ट्रिंग में लेकर के आना होगा। आप कहोगे 10 स्ट्रिंग थोड़ी हो सकता है, 10 तो हो सकता था स्ट्रिंग। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए इज इक्वल टू
आपको क्या लगता है इस बार क्या फॉर्मेट होगा इसका यार, इंटीजर या स्ट्रिंग? अगर मैं ए का टाइप प्रिंट करूंगा तो क्या टाइप होगा? स्ट्रिंग होगा, वेरी गुड। तो अब अगर आप वो वैल्यू इंटीजर की जो वैल्यू है वो किसके साथ लेकर आना चाहते हो, स्ट्रिंग के साथ, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई इसको किस में चेंज कर ले, स्ट्रिंग में। कंट्रोल एस, रन किया दोबारा से कोड, योर एज इज 10। तो कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ ही पता लगेंगे कि अगर एक वैल्यू है आपके इंटीजर तो उसको आप टाइप चेंज किसमें नहीं कर पाओगे, स्ट्रिंग। देखा था अब थे अभी तक हमने, राइट, थोड़ी देर पहले देखा था हमने। लेकिन इंटीजर को क्या बना सकते हो, स्ट्रिंग बना सकते हो, यहाँ पे जैसे हमने किया। जैसे अगर हम यहां करते हैं ए इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ एक्स, ठीक है, हमने बोला प्रिंट ए, प्रिंट टाइप ऑफ ए ऑल्सो, कंट्रोल एस, सेव किया, रन करते हैं। क्या बोल रहा है इस बार, स्ट्रिंग, राइट। लेकिन जब हमने थोड़ी देर पहले ये चीज करके देखी थी, यहाँ पर नेम वन क्या था आपका, इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ नेम, यहाँ पे जो नेम था वो क्या था यार, स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को किस में लेके जा रहे थे, सॉरी इंटीजर में, स्ट्रिंग को किस में लेके जा रहे थे, इंटीजर में, नहीं हो रहा था, इंटीजर को किस में लेके जा रहे हो आप, स्ट्रिंग में। जैसे भी हमने देखा कंट्रोल जेड करने से पता लग जाएगा, आ जाएगा कोड वापस, चलो चला गया वो कोड। तो अब बढ़िया, कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ ही पता लगेंगी यार, ठीक है। सेट सेट के अलावा क्या था, लिस्ट, टपल, रेंज, इस तरीके से आपके पास कुछ वैल्यूज थी, राइट। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हमने देखा था x इज इक्वल टू 10, सॉरी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10, इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग वेरिएबल को सेम वैल्यू दे दी मैंने, राइट। फिर मैंने क्या किया, x y z इज इक्वल टू 10, 20, इन वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यूज दे दी हमने। मैं क्या चाहता हूँ, एक्स को वैल्यू देना चाहता हूँ 10, 20, 30। क्या ये चीज सही है, लास्ट वाली स्टार्टिंग में हमने क्या किया, अलग अलग वेरिएबल्स को सेम वैल्यू दी, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यूज दी। अब मैं वेरिएबल तो सेम है लेकिन उस वेरिएबल को वैल्यू अलग अलग दे रहा हूँ, वेरिएबल तो एक्स ही है लेकिन उसकी वैल्यू 10 भी है, 20 भी है और 30 भी है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रिंट एक्स, कंट्रोल एस, ऊपर वाला रिमूव कर देते हैं, ठीक है, प्रिंट एस, सेव किया इसको। क्या बोल रहे हैं, वैल्यू क्या आ रही है, 10, 20 और 30, राइट। अब अगर इस बार हम प्रिंट करें टाइप ऑफ एक्स, एक्स का टाइप प्रिंट करो इस बार, अगर मैंने इसका इस बार टाइप प्रिंट किया तो
आपको क्या दिखेगा टाइप में यार? टपल चेंज हो रहा है देखो टाइप। अगर एक्स इज इक्वल टू 10 है सिर्फ, तो एक्स का टाइप क्या होगा? इंटीजर। इस बार एक्स इज इक्वल टू 10 भी है, एक्स इज इक्वल टू 20 भी, और एक्स इज इक्वल टू 30 भी है। तो इस बार जो एक्स का टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है? टपल आ रहा है। एक्स का जो टाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है इस बार? टपल, राइट? एक्स का टाइप क्या आ रहा है? टपल। अब यहाँ वो ब्रैकेट जो होती है आपकी नॉर्मल, ये दो या ना दो, इनसे फर्क नहीं पड़ता, राइट? लेकिन मैं अगर ये बोलता हूँ वाई इज इक्वल टू 10, 30, 40, प्रिंट वाई एंड प्रिंट टाइप ऑफ वाई ऑल्सो, कंट्रोल सेव, रन करते हैं। क्या शो कर रहा है इस बार यार? 10, 30 और 40, उसका तो टाइप क्या है? लिस्ट। 10, 20 और 30, उसका टाइप क्या है? टपल। सिर्फ किसका चेंज है? ब्रैकेट्स का, राइट? आप देख सकते हो चेंज सिर्फ किसका है? ब्रैकेट्स का। बट उस केस में डेटा टाइप क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। इनके पर्पज अलग अलग है। पर्पज क्या है इनके? अलग अलग। एक मिनट रुकना है, चार्जर कनेक्ट। हाँ जी, तो आप देख रहे हो ब्रैकेट चेंज होने से ही डेटा का टाइप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, राइट? अब आप कहोगे ओके ये इंटीजर हो गया। हाँ जी सर, अगर हम 9, 2 और 4 रिमूव कर दें तो अभी टपल आएगा। अगर क्या कह रहे हो भाई? हम 9, 2 और 4 रिमूव कर दें तो भी टपल आएगा। 2 और 4 ये ठीक है, कंट्रोल सेव, कंट्रोल एस, टेन ट्वेंटी थर्टी, ऑल राइट। तो ऊपर वैल्यूज थी ना एक्स की वैल्यू, तो हमने दोबारा से डिफाइन कर दी 10, 20, 30। और बताइए और किसी का कोई कंफ्यूजन यार? नहीं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 2.5, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोट। एक्स इज इक्वल टू 10 क्या, बी इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा आपका? इंटीजर। सी इज इक्वल टू 1j, ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है, प्रिंट टाइप ऑफ बी, प्रिंट टाइप ऑफ सी। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, उसमें आपको ये दिखेगा जे आर, ये वाला करेक्टर आपको देखने को उसमें मिलेगा। तो दोबारा से रन करते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है? पहला फ्लोट है आपका 2.5, 10 क्या इंटीजर, और ये क्या आपका कॉम्प्लेक्स। आपको अगर जे के अलावा कोई और करेक्टर दे दें तो ये लो, या फिर मान लो ये दे दिया मैंने, ठीक है।
आप प्रिंट करते हैं कंट्रोल सेव करके, क्या कह रहे हैं? ऐसे कुछ भी नहीं होता भाई, इनवैलिड सिंटैक्स है। तो क्या यूज करना होगा आपको यहाँ? जी मान लो मैं जेड यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल सेव किया, फिर क्या दे दिया, एक इनवैलिड डेसिमल लिटरल कि भाई ऐसा वन जी जैसा कुछ भी नहीं होता है, तो आपको वही स्पेशल करेक्टर यूज करना पड़ेगा यार। ये यूज करोगे आप तो आपको दिखा देगा कि जो आपका डेटा का टाइप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो डेटा का टाइप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब आप ये वाली ब्रैकेट यूज करते हो, इसका नेम बताना यार, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी ब्रैकेट होती है? ये तो स्क्वायर ब्रैकेट होती है जहां तक मुझे याद है, राइट? ओपन क्लोज ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट से। ओके वेरी गुड, ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो जब आप ओपन क्लोज ब्रैकेट यूज करते हो और एक ही वेरिएबल को अलग एक से ज़्यादा वैल्यूज देते हो, तो टाइप क्या होगा उसका, टपल। जब आप कौन सी ब्रैकेट्स, स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज करोगे तो उसका टाइप क्या होगा आपका, उसका टाइप क्या होगा, लिस्ट। ठीक है, आप कहोगे ओके। ठीक है, उसके बाद टपल है, फिर उसके बाद रेंज भी है, सेट भी है, बूल भी है। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार, तो मैं आपको लास्ट बता देता हूँ बूल का क्या फंडा है। पाइथन इज ईजी, ठीक है। तो जब आप यहाँ यूज करते हो इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या होगा, डेटा टाइप बूल हो जाएगा इसका। आप कहोगे टी कैपिटल होना जरूरी है? हाँ जी, टी कैपिटल होना जरूरी है यार, आपको यही पता लग जाएगा। जब टी कैपिटल करोगे तो अलग कलर से होगा, राइट? अब मैंने बोला इसको प्रिंट टाइप ऑफ इजी, पाइथन इजी है, इसका टाइप प्रिंट करना जरा एक बार क्या होगा। कंट्रोल सेव किया, रन की, क्या शो कर रहा है, बूल। तो बूल में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक फॉल्स और एक ट्रू। ठीक है, एक ट्रू होता है और एक क्या होता है, फॉल्स। पाइथन इज डिफिकल्ट, बोला नहीं तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉल्स। तो एफ यहाँ पे भी कैपिटल होना चाहिए। फिर यहाँ पे भी अगर आप जब टाइप देखोगे इसका, प्रिंट टाइप ऑफ पाइथन इज डिफिकल्ट, ठीक है, सेव किया इसको मैंने, रन किया, यहाँ पर दोनों लास्ट में क्या देख रहे हो आप, बोलिए। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका, ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो अभी हमने सिर्फ बात की है किसके, इंटीजर स्ट्रिंग लिस्ट सॉरी टपल लिस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स बुलन ऑपरेशंस। ठीक है, आने वाले टाइम में लिस्ट पे भी एक अलग से क्लास होगी यार, कि लिस्ट को कैसे ओपन करते हैं, और डिक्शनरी भी हमें डिस्कस करना है, रेंज भी डिस्कस करना है, सेट भी डिस्कस करना है, तो वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे यार। ठीक है, आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, तो जितना आज डिस्कस हुआ उतना प्रैक्टिस कर लेना आप। कल मिलते हैं, कल डेटा टाइप्स को और एक्सप्लोर करेंगे, और फिर फिनिश करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। हाँ जी, पैरेंथिसिस, ओके,
हाँ पैरेंथेसिस भी बोलते हैं इनको। हाँ जी, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑब्जेक्ट्स वाले डेटा टाइप में सिर्फ जे ही एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। सॉरी क्या कह रहे हो? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में सिर्फ जे ही एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, तो हाँ जी जे का कोई स्पेशल मतलब कोई इसका मीनिंग है या फिर कुछ ऐसे ही? मीनिंग तो नहीं है अभी, तो यूज केसेस हमारे लिए नहीं है इसका यार। ठीक है तो वैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, दो पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है, एक रियल और एक इमेजिनरी। स्पेलिंग क्या होती है इमेजिनरी की, ऐसे कुछ। ठीक है, जो जे वाला आपका पार्ट है वो क्या रहेगा, आपका इमेजिनरी पार्ट है यार। ठीक है, हाँ इस चीज की भी बात करेंगे हम कल, कि हैश लगा के जो आप लिखते हो उसको जो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर है, जो भी इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, इसको इग्नोर करेगा यार। तो ये कमेंट होते हैं पाइथन में, ठीक है, जब आप एक एक्चुअल में कोड लिखते हो तो उसमें आप देखते हो कि जो कोड है वो हमें ऐसा बनाना है कि वो रीडेबल भी हो, ह्यूमन मशीन रीडेबल तो हो जाएगा ठीक है, बट वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में भी हो। तो आप क्या करते हो उसके साथ, हैश यूज करके जो भी लिखते हो वो कोड, सॉरी वो क्या होगा आपका इंटरप्रेटर जो भी आपका पाइथन, वो क्या करेगा, उसको स्किप करेगा, उसको इग्नोर करेगा कि ये वैल्यू नहीं है, ये कोई कोड नहीं है, ये सिर्फ क्या एक कमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ मान लो दे दिया हमने कि हम यहाँ क्या डिफाइन कर रहे हैं, टपल डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारी क्या हो गई लिस्ट, या मैंने लिख दिया इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नहीं सॉरी फ्लोट, यहां हमने लिख दिया क्या इंटीजर, यहां हमने लिख दिया कॉम्प्लेक्स ऐसे। तो जो भी आप इसके साथ लिखते हो इसको पाइथन में बोलते हैं कमेंट। जब मैं कोड रन करूंगा तो उनका बीच में कहीं भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जो चीजें आपने लिखी है, राइट। तो इसको आपको याद रखना है, जो आपका ये हैश है वो क्या एक स्पेशल करेक्टर है इसमें, जो आप यूज करते हो क्या डिफाइन करने के लिए, एक कमेंट डिफाइन करने के लिए, और वो कमेंट आपके जो कोड है उसको क्या बनाता है, रीडेबल बनाता है यार। ऑल राइट, यस एज ए कमेंट। तो ठीक है फिर,